अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने इस ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमा के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करें कि अल्लाह हम सबको अपने इस ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो पर करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो कांडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। तो जी हसनैन है बड़ा एक्साइटेड क्योंकि उसके लिए है कुछ सरप्राइज। तो मैं लेके आई हूँ आज फिर से शॉपिंग करके, तो अपनी प्यारी प्यारी फैमिली को दिखाऊंगी कि आज मैं क्या शॉपिंग करके आई हूँ। आज की शॉपिंग में जो एक सरप्राइज है तो वो है मेरे प्यारे प्यारे हसनैन का। तो वो देखने के लिए ना एक्साइटेड खड़ा है और मुझे काफी देर से बोली जा रहा है मम्मा व्हेन यू वाना ओपन देम, व्हेन यू वाना शो मी। मैंने बोला अच्छा चलो सबसे पहले ना मैं यही काम कर दूं, अपनी प्यारी प्यारी फैमिली को भी दिखा दूं और अपने चुन्ने मुन्ने मुन्ने को भी दिखा दूं। तो जी आज मैं लेके आई हूँ फिर सेल को लुट के, तो मग मैं लेके आई हूँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मग्स लेके आई हूँ और आज इनकी सेल जो है वो फर्दर डाउन हुई थी तो इसलिए मुझे ये मग तो बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैं लेके आई हूँ 6 मग जो मेरे घर में ऑलरेडी इतने पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कि चलो और ले लेती हूँ। तो ये है जी मग, देखें आप लोग और मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। इतनी इतनी बड़ी चाय हम लोग पीते हैं। तो ये इनकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 5 पाउंड थी, फिर ये हुए 4 के और आज ये लगे 3 के। तो 3 पाउंड का 1 कप है जी ये और मैंने लिए हैं 6 कप मैं लेके आई हूँ। ओ माय गॉड, ये तो सरप्राइज ही खुल गया पहले। अच्छा जी, तो ये कप की आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ये वाले मग बाद में दिखाती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ एक लेटर वाला कप, ये मैं ढूंढ रही थी कि सबके मिल जाएं तो मैं 6 यही ले लूं सबके नाम के, लेकिन उनके पास डिफरेंट कलर में थे लेकिन इस कलर में नहीं थे तो उन कलर में हेच नहीं था तो मुझे स्पेशली लेना था हसनैन के लिए। तो फिर मैंने बोला चलो आज सिर्फ हसनैन के लिए लेती हूँ, फिर जब सेम 6 एक जैसे मिलेंगे तो फिर लूंगी। तो ये है जी हेच लेटर यानी के हसनैन। तो ये भी सेल में ही लगा हुआ था, ये भी सेम प्राइस, ये इसकी 5 पाउंड का था और ये 3 पाउंड का मिला। तो इसके पीछे राज क्या है लेके आने का, इस कप की मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ। तो हसनैन जो है जी मेरा सोना मोना चुन्ना मुन्ना, ये जब रात को बेड में जाने से पहले मिल्क पीते हैं या मिल्क शेक पीते हैं या कुछ भी पीते हैं ना, यू कैन टेक ना, आई हैव टू वॉश फर्स्ट, ओके, यू कैन शो दैम एंड देन आई वॉश देम। तो ये जब दूध पीता है ना रात को, ये रबाब और सारे माशाल्लाह बेड में जाने से पहले, या मिल्क शेक पिए या कुछ भी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना के या इंस्टेंट जो होता है पाउडर उसके साथ बना के पिए, तो ये वो सारे ग्लास में, तो ये ना इसने अपना ना बचपन का, इसको बीकर से बहुत प्यार है। हर बंदे को ना अपनी किसी ना किसी चीज से होता है, तो वो बीकर है इतना सा, उसके ऊपर की लिड तो इसने नहीं यूज करता, उसको कप की तरह ही यूज करता है, बस सिर्फ इसने उसमें ही पीना होता है रात को बेड में जाने से पहले। तो मैंने एक इसको ना उससे बहुत लगाव है। एक दिन ऐसे यामन ने उसको रख दिया कि इसको अब रिसाइकल कर देते हैं क्योंकि ये अब इसने खप डाली, मेरा मिल नहीं रहा, वो शुक्र अभी फैलका नहीं था, अगर शर्फ पे पड़ा था तो फिर मैंने उसको दोबारा धोके इसको दिया कि ये तो बेड में नहीं जाएगा, तो वो उसको ना मिला। तो फिर कल मैंने इसके साथ एक बात की, मैंने बोला यू ग्रोन अप नाउ, यू ग्रोविंग नाउ, तो अभी भी आप उसको रख लो कि ये आपको बहुत फेवरेट बीकर है, आप उसको रख लो, तो मैं अगर आपको अपने आपके नाम के लेटर का ला के दूं तो फिर आप उसमें पियो बिकॉज यू नीड मोर मिल्क। तो फिर ना ये एग्री होगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है। तो वो मैंने जब इसको बोला कि इसको निकाल दूं तो मुझे बोलता है नहीं 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 नहीं, तो वो अभी ऑब्वियसली मैंने कबट में मैं उसको फेंकूंगी तो नहीं। तो मैंने जैसे बोला था, मैंने अपने हर सारे बच्चों के माशाल्लाह फर्स्ट चीजें जो है वो संभाल के रखी हुई है। तो ये बीकर इसका बहुत फेवरेट बीकर है, लेकिन अब होपफुली कि आज से ये कप में पीना शुरू हो जाएगा। तो चले जी, कट लॉन्ग स्टोरी टू शॉर्ट, आपको दिखाती हूँ मग निकाल के। ये मैंने 6 लिए, मैं फिर 6 ही लेती हूँ या 12 लेती हूँ।
अगर 12 लूँ तो फिर 6 डिफरेंट कलर के ले लेती हूँ, इतना मैं भी पेपर उनसे लगवा लाई हूँ। यू लाइक इट? सो वॉश एंड देन यू कैन हैव अ मेल फ्रॉम टुनाइट। तो ये है जी, कई लोग आप बोलेंगे इतने इतने बड़े मग, हमें तो छोटे कपों में चाय पी के मजा ही नहीं आता जी, जितनी देर बड़े बड़े मग ना हो। तो ये 6 मैं लेके आई हूँ। वैसे मैं तो ना कहती हूँ मैं तो बाहर ना जाऊँ, बाहर जाती हूँ तो मेरा तो बस रोज कुछ ना कुछ, रोज कुछ ना कुछ लगा ही रहता, कुछ ना कुछ रोज का रोज लगा रहता। तो ये मैंने ले लिए हैं 6 मग जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे ये मग, आपको पसंद आए कि नहीं आए। पता घर में चीज हो ना, घर में मुझे ये होता है कि हर चीज, अभी मेरे पास उस दिन पता नहीं कौन आया तो ईमान बोलती है मम ये तो अभी बॉक्स में पड़े हुए हैं, वो बॉक्स वाले भी हमेशा मग्स जो है ना वो मैं मार्क्स एंड स्पेंसर से ही लेती हूँ क्योंकि ये इनके कन्ने नहीं टूटते। पहले ब्रिटिश होम स्टोर एक होता था वहां से लेती थी, उनके भी किनारे नहीं टूटते, उनके भी बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अब तो वो स्टोर ही बंद हो गया। तो अब मैं जब से इनके लेती हूँ तो इनका भी यही है कि इनके भी ना बहुत अच्छे हैं, ये किनारे नहीं टूटते। थोड़ी चीज तो एक्सपेंसिव हो जाती है लेकिन अगर आप सेल में लो तो फिर रिजनेबल भी हो जाती है, लेकिन समटाइम फुल प्राइस पे भी कोई चीज पसंद आ जाए तो फिर वो भी बंदा ले लेता है। तो फिर पर ये इनका ये है कि इनके किनारे नहीं टूटते, ये इनकी बहुत अच्छी है। तो पर मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा पैटर्न भी, और सिंपल से कप फूलों वाले नहीं, हमें कभी लिए ही नहीं है फ्लावर्स वाले, इस तरह के ही हम लोग लेते हैं, या प्लेन ले लो या ये ले लो। तो फिर ये मुझे अच्छे लगे। चलिए अब मैं इनके ऊपर से ना ये उतार दूं ताकि फिर इनको धो के ना रख दूंगी। जो घर में लगाए हुए हैं वो भी अभी नए लगाए हैं तो इनको फिर धो के रख देती हूँ ताकि फिर जब कभी यूज करने होंगे तो कर लूंगी। ये इनकी जो सेल की प्राइस है वो उतार देती हूँ। ये नीचे इनकी ओरिजिनल लगी हुई है, वो धुल के खुद ही उतर जाएगी। मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को ये वाली शॉपिंग भी दिखा ही दूं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बस, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको मेरी आज की ये वाली शॉपिंग कैसी लगी, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बस औरतों का यही होता है कि कुछ ना कुछ घर में बस आता रहे। तो समटाइम मुझे डांट भी पड़ती है कि बस कभी बैठना नहीं है टिक के कि आज ये चीज़ नहीं आई तो आज वो चीज़ नहीं आई तो चलो अब ये ले आऊँ तो चलो अब वो ले आऊँ। तो मैंने सोचा कि जब कभी बंदे को बार्गिन्स मिलती हैं तो फिर उससे फायदा तो उठाना चाहिए ना, बार्गिन्स हर ख्याल से हर वुमन्स को बार्गिन से प्यार होता है। तो चलें जी ये थी, अब मैं इसको कप्स को धोती हूँ रखती हूँ और इस पेपर को जो है वो बाहर फेंकती हूँ। तो ये थी पेपर रिसाइकलिंग में चला जाएगा। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो और छोटी सी शॉपिंग, होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी रमा पी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आपका वक्त मेरे साथ होते क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, लव यू मॉम फैमिली, दुआ में जरूर याद रखिएगा। और जिंदगी ने वफा की तो कल आपसे फिर आके मिलूंगी इंशाल्लाह एक अच्छे नाइस ब्लॉग के साथ। तो लेती हूँ आपसे इजाजत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द ही मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।